हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीपी मॉनिटर की अनबॉक्सिंग रिव्यू और इसको कैसे यूज करते हैं ये सारा देखेंगे। ये बीपी मॉनिटर निस्कोमेट ब्रांड का है। ये इसके फीचर्स है और ये इस साइड स्पेसिफिकेशंस दी है और कैसे इसको यूज करना है ये इस साइड पर मेंशन किया है। और इसकी 1 ईयर की वारंटी है। इसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और निस्कोमेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। निस्कोमेट ब्रांड के और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हो। इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आप करंट प्राइस चेक कर सकते हो। सबसे पहले हमें ये पैम्पलेट मिला है, ये ब्लड शुगर टेस्टिंग मॉनिटर का है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। और इस बैग में बीपी मॉनिटर एंड इसकी एक्सेसरीज है और इजीली कैरी बैग को कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो ये है AA साइज की 4 बैटरीज और ये आर्म कफ है और ये बीपी मॉनिटर है। और साथ ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया है, इसमें डिटेल में मेंशन किया है कि कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो आप इसको रीड करके भी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बीपी मॉनिटर का ये रैप रिमूव कर देते हैं और बैटरीज के रैप को भी रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह बैटरी कवर को रिमूव करके बैटरीज इंस्टॉल कर दे, इस तरह फिर बैटरी कवर लगा दे। बीपी मॉनिटर से पहले ये लैमिनेशन कवर रिमूव कर देते हैं। इसमें टाइम, डेट और ईयर का भी फीचर है। इसको सेट करने के लिए स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं करना है, सीधा सेटिंग बटन को लॉन्ग प्रेस करें और ये ईयर आ गया। फिर मेमोरी बटन को कंटिन्यू प्रेस करें और अब ईयर है 2022। तो फिर सेटिंग बटन को प्रेस करें। तो अब हम डेट सेट करते हैं और ये जो 1 ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर मंथ आएगा। फिर मेमोरी बटन को कंटिन्यू प्रेस करें और मंथ है 12। फिर सेट बटन प्रेस कर दे और ये अब ब्लिंक होने लगा जहाँ पर डेट आएगी। तो फिर मेमोरी बटन को कंटिन्यू प्रेस करें और आज 28 है। फिर सेटिंग बटन को प्रेस कर दे। अब स्क्रीन पर ये आ गया है। आप मेमोरी बटन को प्रेस करके टाइम 12 आवर्स और 24 आवर्स दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो और फिर सेटिंग बटन को प्रेस कर दे। तो अब टाइम आ गया, फिर सेटिंग बटन को प्रेस करें। टाइम एक्यूरेट है तो फिर सेट बटन को प्रेस कर दे। तो ये सेटिंग्स हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। तो ये है आर्म कप, इसका साइज है 22 x 32 cm है। तो नॉर्मली यही साइज सभी आर्म्स पर फिट आ जाएगा। तो ये है एयर ट्यूब और इस तरह ये एयर जैक में एयर ट्यूब प्लग को लगाएं। तो अब हम आर्म कप को आर्म पर फिट करेंगे, फिर इसको इस तरह अच्छी तरह फिट कर ले। ध्यान रहे कि एयर ट्यूब आर्म के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए और आर्म कफ एल्बो से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। साथ ही आर्म और कफ में ये इस तरह फिंगर्स जाने का गैप होना चाहिए और आर्म को इस तरह स्ट्रेट रखे और हैंड भी स्ट्रेट होना चाहिए और पाम जो है ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इस तरह आर्म चेस्ट लेवल पर होनी चाहिए और बैक स्पोर्ट लेकर स्ट्रेट बैठना है और फुट भी फ्लोर पर इस तरह रखे, लेग्स को क्रॉस नहीं करना है। तो इस तरह प्रॉपर वे में आपने बैठना है। तो अब हम बीपी और पल्स रेट चेक करते हैं। स्टार्ट बटन को प्रेस कर दें और ये मॉनिटरिंग करके ऑटोमेटिकली रीडिंग देगा और इस समय आर्म को प्रेशर फील होगा तो घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे ही होता है। और ये रीडिंग्स आई है, हाई बीपी 115 है और लो बीपी 172 है और पल्स रेट 65 है। अगर बीपी मॉनिटर को 60 सेकंड्स यूज नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। और रीडिंग के साथ स्क्रीन पर ये बैटरी इंडिकेशन है और साथ में टाइम भी आ रहा है और ये यूजर आईडी सिंबल है, इसमें 2 पर्संस की रीडिंग सेव कर सकते हैं। अब हम बैटरी निकालकर इसको पावर बैंक से कनेक्ट करके मॉनिटरिंग करते हैं। और ये यूएसबी केबल मैंने पावर बैंक में लगाई है और बीपी मॉनिटर में जहां पर इस पोर्ट में हम यूएसबी लगाएंगे और स्टार्ट बटन को प्रेस कर दे और ये रीडिंग आई है।
तो ये था निस्कोमेट ब्रांड पीपी मीटर का रिव्यू। और इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कमेंट करें, और आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।